Welcome back to my YouTube channel Share with Tiny World. So today I am giving you a review of this rickshaw. This Love Lab का हमने order किया है Amazon से. इसका cost है 2500 रुपए. Assembling process आपको बताती हूँ. इसका जो हैंडल ग्रिप है ये बहुत अच्छा है. छोटी सी ये बेल इसमें दी हुई है. इसमें दो बकेट्स दी हुई है सामान रखने के लिए. जैसे अगर आप अपने बेबी को सोसाइटी वगैरह में नीचे चलाने ले जा रहे हो तो उसके लिए आप थोड़ा सा ना वाटर बॉटल और इस तरह का सामान यहाँ पे रख सकते हो. ये इसकी सीट है, काफी कम्फर्टेबल सीट है और इसमें ये सीट बेल्ट भी दिया हुआ है जिससे आप बेबी को प्रॉपरली सिक्योरली बिठा सकते हो. इसका जो ये पैडल सिस्टम है ये भी बहुत अच्छा है और आप देख सकते हो इसके जो ये पहिए हैं, जो व्हील है उसका आप ये ब्रॉडनेस देखो, चौड़ाई देखो कितनी अच्छी है. तो इसकी वजह से क्या है ना, ये रिक्शा अगर आप देखो थोड़ा सा हिला के तो ये पलटने का कम चांसेस है. अगर आप थोड़ा सस्ता वाला या फिर थोड़ा लो क्वालिटी रिक्शा अगर आप लेते हो मार्केट से तो उनका क्या होता है कि वो इतना हल्का मटेरियल होता है प्लास्टिक का कि उनका पलटने का डर बहुत ज्यादा होता है बच्चों का. इस वजह से हमने ये Love Lab का ऑर्डर किया कि चलो थोड़े से पैसे ज्यादा जाए पर एटलीस्ट बच्चा हमारा सेफ रहे. इसमें पलटने का डर बहुत कम है क्योंकि आप ये वाला इसका ब्रॉडनेस, इन पहियों की दूरी भी देखो, वो इतनी ज्यादा है कि नॉर्मली बच्चा आसानी से ये रिक्शा नहीं पलटेगा. पर जो इसका वेट आप कह सकते हो बहुत ज्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है कि आप आराम से जैसे नीचे सोसाइटी वगैरह में ले जाना है तो आप आराम से ले जा सकते हो. प्लस प्लास्टिक की क्वालिटी बहुत अच्छी है, इजीली कहीं से भी ये जो रिक्शा है वो नॉर्मली कहीं से भी टूटेगा नहीं और बच्चा इसमें आराम से इंजॉय कर सकता है. थैंक यू सो मच गाइज. और भी कुछ अगर आपको पूछना है तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच.